सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में अब आपसे बात करने वाला हूं कैसे आप अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक जिफ इमेज जो कि एक एनिमेटेड मूविंग इमेज होती है, उसे कैसे आप अपने वॉलपेपर पे सेट कर पाएंगे जिससे हो जाएगा आपका फ़ोन और भी ज़्यादा अमेजिंग, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आप इसे सेट करेंगे, किस तरह के जिफ इमेज आपको डाउनलोड करने हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं वीडियो की ओर। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मतलब इसके लिए आपको जिफ या गिफ जो भी आप उसे कहते हैं वो आपको डाउनलोड करने पड़ेगी। और उसके लिए एक ऐप चाहिए जो है गिफ लाइव वॉलपेपर। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे गैलरी में जाना है और ये मैंने कुछ डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी। जैसे अभी हम सिलेक्ट करते हैं ये अंकल वाली, इसको आपको स्ट्रेच कर देना है पूरा। फिर ये यहाँ से कलर पिकर उठाना है, सिलेक्ट करना है ताकि वो कलर सारे में स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे ओके क्लिक करना है और सेट एज वॉलपेपर। आप आगे नेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं होम स्क्रीन या होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, दोनों पे सेट करना है। तो बस, तो अभी प्रेस करेंगे हम ये वाला बटन, तो ये आपका जिफ वॉलपेपर सिलेक्ट हो गया। अभी इसमें दो तीन ऐप और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसे सेट करना तो काफ़ी इजी काम है, बट जो मुश्किल काम है वो है आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए एक हमारे पास ऐप है रिपल करके, तो यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आपको बस सर्च करना है। मैं इंटरनेट को इनेबल कर देता हूँ। तो इंटरनेट मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे आप मान लीजिए सुपरमैन आगे आपने लिख देना जिफ, नहीं तो अगर आप GIF नहीं लिखेंगे तो ये कोई भी नॉर्मल पिक्चर आपके लिए डाउनलोड कर देगा। जैसे कि ये है, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए थ्री बटन्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज अलाउ कर देंगे। तो इसे डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल काम है, बाकी तो सेट करना में आपने देख ही लिया कैसे आप सेट कर सकते हैं इसे। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है, मैं वापस जाता हूँ जिफ लाइव वॉलपेपर। यहाँ से मैंने गैलरी में जंप किया, कहाँ गई वो डाउनलोड्स में, डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई ये। तो इसे आप बड़ा करेंगे, कलर पिक करेंगे और सारे वाइट कलर हो गया। सेट एज वॉलपेपर, होम स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे आप, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, उस हिसाब से आप इस पे सेट कर सकते हैं। एक जो वॉलपेपर डाउनलोड करने की वेबसाइट या ऐप है वो है लूप वॉल करके, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको काफ़ी तरह के एनिमेशन जिफ वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो सबसे इजी जो है वो आपको क्या करना है, क्रोम या कुछ भी आप ओपन कर लीजिए,
यहाँ पे आपने जाना है बैटमैन जिफ, और यहाँ पे इमेज में आ जाइए, इमेजेस में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आता है जिफ करके, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आएंगी वो सारी जिफ होंगी, और आपको मतलब ऐसी इमेज चाहिए जिनके कलर सबके सेम, मतलब जो उसका बैकग्राउंड हो सेम एक ही कलर का हो। अगर आप ऐसा कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें आप बैकग्राउंड इसका एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से ये बाकी जो बॉर्डर होगा वो वाइट आएगा। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये मैंने इमेज डाउनलोड करी, तो अगर मैं इस इमेज को लाइव वॉलपेपर सेलेक्ट करूँगा तो ये बड़ा करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा तो बाकी कलर ऐसे ब्लैक आएंगे, या और जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे जो कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये ऐसी आएगी जो कि अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉलपेपर जो भी आप सेलेक्ट करें वो सिंगल शेड बैकग्राउंड में हो, जैसे कि ये है, ये है, मतलब कई थाउजेंड टाइप तरह के मिल जाएंगे आपको वॉलपेपर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।